यूएसबी का ऑप्शन, इसमें यूएसबी का ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्चुअली, ऊपर से चार्जिंग पे चार्जिंग आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ओटीजी केबल के थ्रू आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक काम और करते हैं, हम उसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार जो हमारे पास है। गाइज ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ओटीजी केबल से इसमें ज़ेब्रॉन्स की वॉच हो चाहे विजनरी हो फायरबोल्ट की, उसमें सॉन्ग कैसे डाल सकते हो। गाइज बहुत ही तगड़ी वीडियो है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं वीडियो, तो इसी के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर करो ताकि औरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे आप अपने ओटीजी केबल से फ़ोन के थ्रू इसमें गाने डाल सकते हो। और लैपटॉप के साथ तो मैं एक वीडियो बना रखी है लैपटॉप पे कैसे मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो इसमें सॉन्ग्स, वो तो आसानी से आता है, बट ओटीजी केबल से कैसे कर पाओगे वो आज हम बताने वाले हैं। और विजनरी हो चाहे आपकी फायरबोल्ट की या आपकी ज़ेब्रॉन्स की, आपकी आइकॉनिक हो या आपकी फायरबोल्ट की इनविंसिबल ही क्यों ना हो, तो आप यहाँ पे सॉन्ग्स को डाल सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें कितने सॉन्ग है मैं दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ पे, और साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है स्पीकर वैसे तो, ये रहा ओके, ये रहा ये फुल साउंड है, देख सकते हो डिस्टॉर्ट तो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉन्ग ज़्यादा तो है नहीं, तो यहाँ पे सॉन्ग कितने पड़े हुए हैं मैं दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पे 3 सॉन्ग पड़े हुए हैं, बट हमको और डालने हैं सॉन्ग्स। कितने डाल सकते हो, कम से कम 15-16 सॉन्ग डाल सकते हो, तो हम डालते हैं। कैसे डालने वो दिखाता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पे आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ज़रूरी है, फ़ोन तो होगा ही ऑब्वियसली बात है आपके पास, क्योंकि आप पेयर कर रहे हो अपने फ़ोन के साथ, तो ऑब्वियसली बात है फ़ोन तो होगा ही। मैं ब्राइटनेस कर लेता हूँ इसमें, तो यहाँ पे दाफिट एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, अगर आपके आप मतलब सपोज दूसरे फ़ोन से डाल रहे हो मतलब, तो उससे उसमें दाफिट एप्लीकेशन नहीं है, तो दाफिट एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें से सॉन्ग डालना है मतलब फ़ोन से इसमें डालना है, वो कैसे करना है वो बताता हूँ आप सभी को। यहाँ पे पर्टिकुलरली 1 सेकेंड, ये रहा हमारा ओटीजी केबल, ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, इसका मैं बेस्ट बाइलिंग अपडेट कर दूंगा, बहुत ही मल्टीपर्पज़ है गाइस, मल्टीपर्पज़, इसका मैं अनबॉक्सिंग करने की सोच रहा था बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैं अलग से आपको बताया था, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है ये रहा, और यहाँ पे ये टाइप सी भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे बड़ा वाला कार्ड भी, यहाँ पे पेन ड्राइव भी सपोर्ट करता है, छोटा वाला माइक्रो एसडी कार्ड भी सपोर्ट करता है, मल्टीपर्पज़ है। और तो और गाइज़ यहाँ पे माइक्रो एसबी भी है, यहाँ पे इसको ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे माइक्रो एसबी ओपन हो जाता है, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग अलग के लिए आऊँगा, आप सभी को बताऊँगा। वैसे यहाँ पे ये देख सकते हो ये टाइप सी वाला है, तो यहाँ पे कैसे आपको लगाना है और इसमें आपको डाटा केबल लगा के कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मैं बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वॉच को कनेक्ट करना है, क्योंकि जब ही तो यहाँ पे मतलब चार्ज या कनेक्ट होती है ऑब्वियसली बात है, तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, यहाँ पे जाना है, इस पर आपको लगा देना है, ठीक है। अब गाइस सही से देखना है आपको सारी चीज़ें, ताकि आपको सही सही याद रहे। यहाँ पे लग गया वॉच, मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, मैं एक्चुअली ओके अब दिख रहा है ना। अब गाइस आपको करना क्या है, ये देखो कितनी बढ़िया बात है, यहाँ पे इस डाटा केबल को इसमें लगाना है आपको। 1 सेकेंड, लग रहा है कि नहीं, ये रहा थोड़ा टाइट हो रहा है, लग चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका बन गया कंप्यूटर वाला टाइप का, पूरा मतलब लैपटॉप वाला टाइप का बन गया। अब इसको आपको फ़ोन में लगाना है, ये रहा हमारा फ़ोन, फ़ोन में हमको ये टाइप सी वाली केबल मतलब टाइप सी वाले पोर्ट में आपको इसको लगा देना है। ये देखो लाइट हो गया है ऑन और ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पर आ जाना चाहिए, वैसे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट आपको क्या करना है, मेन्यू पे जाना है, ये कनेक्टेड है कि नहीं, देखो यहाँ पे चार्जिंग भी दिखा रहा है, राइट। अब गाइज यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन तो है नहीं, बट एक काम करते हैं, हम एप्लीकेशन से डायरेक्टली हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे माई फाइल्स में इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे आया नहीं है अभी तक फ़िलहाल वॉच, तो हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड तो है वैसे फ़िलहाल, वॉच क्यों नहीं आ रही हमारी, यहाँ पे ओके, यहाँ पे चार्जिंग ही शो कर रहा है, देखो यहाँ पे चार्जिंग ही शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है एसडी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैन्युअली जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं, सेटिंग में सबसे नीचे जाना है आपको, इस अबाउट में सिस्टम पे पावर ऑफ का ऑप्शन है, यूएसबी केबल का ऑप्शन कहाँ गया, इसमें वर्जन दिखा रहा है, दैट सेट, तो मुझे लग रहा है क्या पता इसमें ऑप्शन ना हो गाइस, यहाँ पे लैपटॉप से ही ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन हो मुझे लगता है, चार्जिंग हो रहा है बस गाइस, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्चुअली। एक काम करते हैं यूएसबी को निकाल के लगाते हैं एक बार, क्या पता उससे हो रहा हो,
डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। कनेक्ट तो हो गई है गाइस, यहाँ पे हम गाइस आ नहीं रहा एक्चुअली, इसमें देख सकते हो यहाँ पे तो गाइस इसमें तो फिलहाल नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, विजनरी में चेक करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा एक्चुअली। फिर इनविंसिबल में भी एक बार चेक कर लेंगे, वैसे इनविंसिबल भी पड़ी है मेरे पास, तो इसको रखते हैं साइड में। हम आते हैं विजनरी के पास, ठीक है। और चार्जिंग वार्जिंग तो कुछ नहीं शो कर रहा है एक्चुअली। ओके, कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से शो करेगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे रखते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन से, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता। यहाँ पे भी चार्जिंग आ रहा है और यहाँ पे नहीं शो कर रहा है आई गेस। यहाँ पे चार्जिंग ही आ रहा है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ भी। यहाँ पे अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे सिस्टम में, तो ये रही हमारे पास फायरबोल्ट की इनविंसिबल, ठीक है। यूएसबी केबल तो सारी सेम ही है, सबकी लग जाती है वैसे। तो यहाँ पे चार्ज हो रही है, दैट्स इट, चार्ज ही हो रही है सिर्फ। यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, एक्चुअली चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है गाइस, चार्ज हो रही है। सेटिंग पे चलते हैं, इसमें ऑप्शन है एक्चुअली, वो चेक करते हैं। यूएसबी का ये रहा, मास स्टोरेज पे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आता है कि नहीं। मास स्टोरेज पे जाने के बाद भी आई गेस यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हो। तो ओटीजी केबल के थ्रू मुझे नहीं लग रहा है कि ये होगा कनेक्ट। मास स्टोरेज आ गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं आ रहा है। डोंट नो गाइस, तो गाइस ना ही यहाँ पे आपकी ये कनेक्ट हो रही है, ना ही आपकी ये वाली कनेक्ट हो रही है। तो थ्रू ओटीजी केबल के थ्रू आप नहीं डाल सकते मेरे ख्याल से सॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस हमने दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट किया है, मेरे पास एमआई का फ़ोन भी है, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रही है क्या सिर्फ। तो मास स्टोरेज आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे फाइल मैनेजर में चेक करते हैं। अब गाइस इसमें नहीं हो रहा तो ऑब्वियस ही बात, आप कोई भी फ़ोन उठा लो नहीं होने वाला है, क्योंकि एमआई के फ़ोन में मैक्सिमम जो होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे आ चुका है, नीड्स टू बी फॉर्मेटेड टू यूज़ द एप्लीकेशन। मैं इसको फॉर्मेट नहीं करना चाहता एक्चुअली गाइस, मैं काम करता हूँ इसमें ऑलरेडी मैंने मतलब गाने डाल रखे, तो मैं काम करता हूँ उससे कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी मेरे को लग रहा है ऐसा, ये रही आपकी, और यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है वैसे। अब गाइस चेक करते हैं यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे नहीं आ रहा एक्चुअली, अभी भी चार्जिंग दिखा रहा है गाइस इसमें। तो इनविंसिबल का आ गया था एक्चुअली, इसका पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ये रहा यूएसबी ड्राइव, ओके ओके आ गया यहाँ पे, ये रही। तो गाइस यहाँ पे पर्टिकुलरली खुल रही है गाइस, फाइनली यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉन्ग डाल के देखते हैं कोई सॉन्ग डलेगी कि नहीं डलेगी। तो गाइस यहाँ पे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि जो पुराना यूएसबी है आपकी R2B3 वाली है, इसको फॉर्मेट करते हैं एक बार।
रेडी टू यूज़। ओके अब गैस यहाँ पे चलते हैं ड्राइव पे। कहाँ गई गाइज, तो खो ही गई मुझे लग रहा है, ये रही। ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। अब गाइज यहाँ पे सॉन्ग डालते हैं, तो OTG केबल के थ्रू यहाँ पे आप सॉन्ग डाल सकते हो। मेरे MI के फ़ोन में आ रही है, सैमसंग के फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ये इशू लगा मेरे को सैमसंग के फ़ोन में, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसमें आपका आ रहा है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर ऊपर की साइड से आप जा सकते हो डायरेक्टली इरा। अब गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा काम ये करना है, यहाँ पर कोई सॉन्ग को कॉपी करना है। सॉन्ग को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे नो कॉपीराइट वाले सॉन्ग में डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है सेंड मूव, कॉपी करते हैं कॉपी। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ जाएगी 125 MB खाली है इसमें, तो USB स्टोरेज जो है ना आपकी 125 MB है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है यहाँ से, देखो। तो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तो गाइस तुरंत पेस्ट हो गया गाइस, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, एकदम से यहाँ पे आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे सॉन्ग को सुनते हैं, क्या सॉन्ग चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे कहाँ गया गाइस, यहाँ पे ये रहा, प्लेयर पे चलते हैं, यहाँ पे सॉन्ग पे चलते हैं। नो सॉन्ग्स दिखा रहा है गाइस यहाँ पे, प्लेयर पे लोकल म्यूजिक में। ओके आ गया आ गया आ गया, थोड़ा टाइम लेता है बट आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हो। प्ले करते हैं, सिंक फेल्ड प्लीज शट, आई डोंट नो यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, थोड़ा जल्दी मैंने निकाल लिया एक्चुअली। हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड है। ठीक है यहाँ पे अभी आया नहीं है एक्चुअली। ओके आ गया, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, सारे गाने डिलीट करते हैं पहले तो, डिलीट। ठीक है अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाऊँगा, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है गाइज, एकदम से आपको नहीं निकाल लेना है, राइट। ये रहा एक्सप्लोर करते, तो यहाँ पे गाने तो आ चुके हैं बट ये प्रॉपर्ली पहुँची नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मतलब वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा आपको रुकना है, थोड़ा सा रुक जाना है, करीब 10 या 5 मिनट रुक जाओ बेसिकली, क्योंकि इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन तो दिखा नहीं रहा कहाँ पे कैसे जा रहे हैं, तो फिर यही है मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सॉन्ग्स को इन द वॉच इटसेल्फ, राइट। और ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें माइक्रो USB अगर आपके पास तो वो भी यहाँ पे है ऑप्शन, इसको ऊपर हो जाता है, ये फ्लैप ऊपर खुल जाता है, और माइक्रो वाला भी मतलब जो आपका कनेक्टर है वो लग जाता है। टाइप सी अगर आपके पास नहीं है फ़ोन में तो बिना टाइप सी वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इजेक्ट करता हूँ, एक्चुअली होगा इजेक्ट तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो चुका है, नहीं होगा तो नहीं हुआ है, सेफली इजेक्टेड। तो यहाँ पे हो गया, देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग आए हैं कि नहीं, यहाँ पे सॉन्ग आ जाने चाहिए वैसे तो। प्लेयर यहाँ पे सिंक फील्ड आ रहा है एक्चुअली गाइज, यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे किस वजह से सिंक फील्ड आ रहा है। फोन म्यूज़िक, उसके बाद लोकल म्यूज़िक पे करते हैं। ओके आ गए, देख सकते हो यहाँ पे। तो प्रॉपरली आप मतलब सॉन्ग इसमें डाल सकते हो थ्रू OTG केबल, राइट। ये थी एक बहुत ही तगड़ी वीडियो, और अगर आपका क्वेरी अभी भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में फोन टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलते रहती है। गाइज मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।